हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो हुआ सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि और देवोलीना बैठे किचन एरिया में बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे आपस में। रश्मि बोलती है सिद्धार्थ शुक्ला तुम्हारा कनेक्शन आज घर में अंदर कौन आएगा? तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला भैया मेरा कनेक्शन तो फोन का है, मुझे फोन दे दो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। इतने बजर बज गई और टीवी के अंदर विकास गुप्ता की एंट्री हो गई। विकास गुप्ता से वही बिग बॉस ने पूछा, भाई विकास गुप्ता ने पहले बताया कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का कनेक्शन बन के आया हूँ, फिर विकास गुप्ता ने बताया कि मैं जो कैप्टन टास्क के लिए वोटिंग करता हूँ वो करता हूँ आरती के लिए। और विकास गुप्ता घर के अंदर एंटर कर गया। विकास गुप्ता घर के अंदर एंटर करते ही बस सिद्धार्थ शुक्ला तो भैया वो जिसे कहते हैं ड्रामा करते हुए रोया, ये मुझे तंग करता है, ये मुझे तंग करता है। तो बहुत अच्छी तरह विकास गुप्ता का वेलकम किया घर के अंदर। उसके बाद विकास गुप्ता भैया घर के अंदर आया तो आपको पता है वो तो एक पूरा गेम प्लानर है। उसने सबसे ज्यादा बैठ के बातें करी, शहनाज से बैठे बैठे कर रहा था और उसे समझा रहा था भाई तेरा और सिद्धार्थ का जो जोड़ी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, तू अपना ट्रैक चेंज क्यों कर रही है, और आज अगर बाईसन आरती घर से बाहर चली जाती है अब तो भैया सिद्धार्थ शुक्ला और तुम दोनों ही आपस में सपोर्ट करोगे, और कोई सपोर्ट करने वाला कौन होगा, तो तुम्हारी दोस्ती आगे चलेगी। तो शहनाज भी यहाँ बोलती है भाई मैं अपना कि सिद्धार्थ शुक्ला से मैं बिल्कुल वो हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, भाई मेरा उससे बहुत प्यार का रिश्ता है और वो लिंक है, तो कह रहा ठीक है ना भाई तो उसको निभाओ। और दूसरी साइड वो ये भी बोल देता है अभी आसिम बाहर बैठा होता है और अब हिमांशी से बातें कर रहा होता है, तो विकास गुप्ता बोलता है देखो यहाँ पे एक और लव स्टोरी चल रही है, बाहर कोई इसके और इंतजार कर रहा है, बाहर और ही फटे हैं। वो कह रही क्या कह रहा तू, कह रहा और क्या आसिम की बार गर्लफ्रेंड है उससे भी ये करिए भाई अपनी कमिटमेंट पहले बंद खत्म करो, दूसरी कमिटमेंट स्टार्ट करो, ये मतलब थोड़ा कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या मची हुई है। अब फिर दोबारा बजर बजा तो स्क्रीन पे आया विशाल का भाई, विशाल का भाई विशाल का कनेक्शन बन के आया था, तो उससे पूछा गया भाई तुम किसको सेव करना चाहता है, तो विशाल ने नाम लिया अपना रश्मि का। अब उसी तरह सेम वो घर के अंदर एंटर कर गया, आते विशाल से बहुत बहुत जिसे कहते हैं बहुत प्यार से मिला, और सबसे बड़ी बात उसका छोटा भाई था, अब वो एक गांव के एरिया से आता है, उसने आते ही विशाल के सबसे पहले पैर छुए, तो इस सबको सबने अप्रिशिएट किया, विकास गुप्ता ने भी सिद्ध ने भी, देखो बड़े भाई को उसने आते ही पैर छुए थे। और उसके बाद उसने वही सबसे मिला अच्छी तरह, वो सिद्ध का भी बहुत बड़ा फैन था, एक साइड पर उसको सिद्ध से भी बातें करता देखा गया कि सिद्धार्थ से बातें करता भैया कि आप जब पहले थे तो भैया मैं तो छोटा हूँ पर मैं तब भी क्या बोलूँ आपको, पर जब विशाल एंटर किया था आप विशाल से बहुत अच्छी तरह बातें करते थे, तो सिद्ध ने अपनी क्लियरली बताई भाई मुझे जब विशाल एंटर किया था मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे लगा था एक बंदा है जो टक्कर का आया है, पर बीच में इसने ट्रैक अपना चेंज कर लिया, फिर उसके बाद मेरी से बहसबाजी भी बहुत हुई, फिर ये इसने में बीच में विशाल भी आ गया था उसी भी बातें चल रही थी, तो सिद्धार्थ यहाँ पे उसको समझा रहा था भाई इसने बीच में जो ट्रैक चेंज किया वो उसके लिए गलत था, अब वो मेरे अगेंस्ट हो गया तो फिर मैं उससे कैसे बातें करता या कैसे करता, हाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत पसंद था। दोस्तों अगला जब बजर बजा तो स्क्रीन पे शेफाली जरीवाला आई, तो जरीवाला ने आते ही बताया कि मैं भी पारसी कनेक्शन बन के आई हूँ, तो बिग बॉस ने वही सेम पूछा भाई तुम किसको सेफ वोटिंग करना चाहते हो कैप्टन टास्क के लिए, तो उसने कहा बिग बॉस मैं आरती को करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे शेफाली जरीवाला घर के अंदर आ गई, आते ही सबसे पहले बहुत जिसे कहते ना ह्यूज जिसे हक किया उसने आरती को किया। उसके बाद भैया आपको पता है हिमांशी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हिमांशी से मिली तो सबसे मिली, सिद्धार्थ शुक्ला से मिली, उसके बाद वही आसिम को छेड़ती है आसिम आसिम, तो आसिम उससे आजकल बन नहीं रही है तो मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, उसने आसिम तो ये तक बोल दिया कि आसिम बाहर तेरी कोई वेट कर रहा है जो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि जब तेरे फिनाले आएगा तब तुझे बताएगा वो बाहर जाके, वो कहता ठीक है मैं तुमसे मिलूंगा पर सिर्फ तेरे से नहीं मिलूंगा, तो यहाँ पर शेफाली जरीवाला सबके यहाँ मिली, तो हिमांशी ने यहाँ ये भी बोला भाई कम से कम मेरे सामने तो मत लड़ो, पर उसने कहा नहीं भाई ये जो था जो आसिम था वो मानने को तैयार नहीं था इस टॉपिक को। अब बीच बीच में आपको पता ही है शहनाज के ड्रामे चलते ही रहते हैं, वही ना शहनाज को कोई कोई लैमिनेट ना दे या उसे कोई ना पूछे तो वो नाराज होती है, जैसे ही शेफाली जरा घर अंदर एंट्राई करी तो यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े होप से मिल रहा था उससे, तो उसके वहीं पे नाराज हो गई जगह उसमें क्या हो गया तेरे को भाई क्या हो गया, वो कह रही तू वही खेलने लग गया दोबारा ये हुआ है, तो सिद्धार्थ के और शहनाज के ड्रामे फिर से शुरू हो गए, एंड में आपको पता ही है बातें फिर भी कर लेंगे बट वहाँ पे ड्रामे स्टार्ट हो गए शहनाज के। अब फिर दोबारा बजर बजा, अब स्क्रीन पे फोटो आई शहनाज के ब्रदर की, अब शहनाज का ब्रदर उसने आगे से वही सेम उसने बिग बॉस से पूछा भाई तो कैप्टन के लिए वोटिंग किस करना चाहते हो, तो उसने वोटिंग करी सिद्धार्थ के लिए, अब सिद्धार्थ की वोटिंग सबसे ज़्यादा हो चुकी थी, तो बिग बॉस ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया भाई अगला जो टेम्प्रेरी कैप्टन बनाया गया है वो सिद्धार्थ शुक्ला है, अब सिद्धार्थ शुक्ला को सारे वो हक मिलेंगे जो कि कैप्टन के मिलते हैं बट एक सिर्फ इम्यूनिटी का टास्क जो था सेव का वो उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे शहनाज का ब्रदर घर के अंदर आ गया, जब आया तो शहनाज साहब को पता बर्थडे था, वो हाथ में केक लेके आया, केक लाते उसे सबसे बहुत अच्छी तरह मिला शहनाज, तो जिसे कहते ना वो एक भाई मिलता है या प्यार मिलता है जैसे कहते हैं पंजाबी में बातें करते हैं वो, तो कुत्ता है तू ये आ गया तू ये लग रहा है वो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जैसे शहनाज है
कि भाई ये एक चुलबुली थी है, उसका भाई भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। सिद्धार्थ शुक्ला से मिला, उसके बाद उसका भाई सिद्धार्थ शुक्ला और अपना शनासे बातें भी करके उसने बातें करी, भाई तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद करते हैं बाहर, ये जो पारस है और अपना जो मायरा है ये तुम्हारे सामने तो नहीं करते पर पीठ पर भी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला, साफ बोला उसको, भैया मैं ऐसे नाराज था, मैं जब वो मेरे सामने बातें करते मैं इनसे नहीं करता, ये अपना उनसे बातें करती है जो मेरे बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पे शनाज ने भी बोल दिया, भाई तू भी तो उसी से बातें करता है कि जो मेरे से बातें नहीं करते या मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। वो कह रहा भाई ये हुआ है। तो यहाँ पे जब सिद्धार्थ चले गया तो यहाँ पे शनाज का भाई शनाज से जा रहा था, भाई वो ऐसा है कि वो सिद्धार्थ समझ नहीं रहा इस बात को, पर ये कि वो भी भाई उनसे बातें करता है जिससे करता है और तू उससे करती है जो उससे जा रहा है, तो तुम दोनों को आपस में बॉन्डिंग ठीक करनी पड़ेगी। अब फनाले पास में है तो भैया कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपस में। अब सिद्धार्थ कैप्टन बन चुका था तो सिद्धार्थ ने सबको ड्यूटीज देनी थी, सिद्धार्थ ने सबको ड्यूटी फिक्स करी। यहाँ पे सिद्धार्थ की पहले रश्मि से बहस हो गई, रश्मि कह रही है मैं भाई ये कर दूंगी, मैं बाथरूम करती हूँ, मैं ये बर्तन नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। तो थोड़ी बहुत बहस रश्मि से भी हो गई, उसने बोला भाई, रश्मि ने बोला मेरी उंगली में दर्द हो रही है, कह रही अभी तू खाना बना रहा था ये तो सबसे ठीक थी, अब मेरी बारी आ गई तो तेरी उंगली में दर्द होने लग गई। तो भैया ठीक है बिग बॉस को बोल दो कि बिग बॉस इसकी उंगली में दर्द है, इसे काम मत कराओ, इसे बाहर भेज दो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे रश्मि और सिद्धार्थ की थोड़ी कल बहस देखने को मिली, जो भी बड़ा प्यार वाला ट्रैक चल रहा था। तो जब बारी आई टास्क की या बारी आई अपनी ड्यूटी की तो थोड़ी बहस इंद्र में हुई। दूसरी बहस बार विशाल से हो गई, उससे विशाल ने उससे बोला भाई ठीक है तू बर्तन साफ करेगा और तेरा भाई और साथ में एक प्लेयर और। अब क्योंकि घर के अंदर प्लेयर सो रह चुके हैं, आठ तो घर के सदस्य ही है, आठ उनके जो कनेक्शन आए हैं तो काम बढ़ गया है। विशाल ने कहा भाई मैं बर्तन साफ नहीं करूंगा, बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे, ये है वो है। उसने कहा नहीं भैया तू बर्तन साफ ही करेगा। तो उसने कहा तू जो शनाज और इसके ब्रदर ड्यूटी दी है वो मैं कर लेता हूँ, तू इनको वो दे दे। तो सीधा सिद्धार्थ शुक्ला ने साफ बोल दिया भाई उन्होंने वोटिंग मेरे लिए की रही है, मैं उनको उनके मतलब काम दूंगा, जो वो चाहेंगे मैं वही दूंगा। विशाल कहता है ये क्या मतलब हुआ भाई, जो तुझे वोटिंग करेंगे तो उनको सही उनसे सबसे किताब देगा और दूसरों को तू बर्तन साफ करने देगा, मैं तीन महीने से बर्तन साफ कर रहा हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात क्लियर करी यहाँ पे कि भाई ठीक है मैं तो एक हफ्ते के लिए कैप्टन बना था, तो बाकी हफ्तों में तो मैं कैप्टन नहीं था, तो तू बर्तन साफ क्यों कर रहा था, मत करता उस टाइम बर्तन, उस टाइम ऑपरेशन उठाता, अब तू ऑपरेशन उठा रहा है, अब मैं जब मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी बहस देखने को मिली और उस टाइम फिर जो बहस थी वो बढ़ती बढ़ती बढ़ी जा रही थी विशाल गिर उसकी। तो यहाँ पे कश्मीरा ने बोला कि ठीक है भाई तुम लड़ो मत करो, तो भैया एक साइड में बर्तन मैं कर दिया करूँगी, तेरी हेल्प करा दिया करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहस जो ड्यूटीज थी वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ खत्म की रही है। अब आसिम और हिमांशी कोने बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे, हिमांशी बता रही थी भाई मैं बाहर निकली तो उसको ऑपरेशन हुआ, उसके इन लॉस की तरफ से मेरे को इंजेक्शन हुआ, वो वहाँ से कोई नहीं आया, मुझे मिलने भी नहीं आया, तो मैं अकेली पड़ गई थी। वो कह रहा अच्छा ये है वो है, तो वो अपने रिलेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। दूसरी साइड अपना पारस और मायरा वो भी लगे हुए थे भी, जो जैसे बाहर से आके कश्मीर ने बोल दिया था अभी तू अपना करती है या उसके ब्रदर ने बोल दिया, वो कहता अभी तू अपने हिसाब से गेम खेलती रहे, तुझे क्या मतलब कोई बाहर से क्या बोल रहा है कैसे नहीं बोल रहा, जो हम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। और इस साइड जो कश्मीरा थी वो लगी कह रही है बिग बॉस का पहला सीजन ऐसा है कि लोग चीज़ें भी छुपाते हैं, कि जैसे जो अपना वो अरहान आया था और अपना रश्मि है ये दोनों चीज़ छुपा लेते थे, फिर जब वो बोलते रहे चीज़ खाएगी तो लेकिन चीज़ निकाल के लेके आता था। तो यहाँ पे उसने बोला पारस ने भाई ये एक तो अच्छा वर्ड हो गया कि छुपाते हैं, एक होता था चोरी करते हैं, कह रही हाँ हाँ खाना भी चोरी करते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, तो ये चीज़ छुपाई जाती है बहुत ज़्यादा। और विकास गुप्ता सिद्धार्थ का कनेक्शन बन के आया था, तो विकास गुप्ता सिद्धार्थ को भी समझा रहा था भाई ऐसा है कि तू जब मतलब तेरी तरह को अग्रेसिव करते हैं, उनको पता है कि तेरी वीक पॉइंट ये है, वो तो जो प्रोप करते रहते हैं, तू गुस्से में आता रहता है, तू भैया दो थोड़े से दिन रह गए हैं कूल रहे और अपना ये अग्रेसिव थोड़ा ख़त्म कर दे, अब ये फनाले की साइड पर बढ़ रहे हैं, अब ये समझ ले कि लोगों ने ये डिसाइड करना है कि टॉप तीन है उसे विनर किसको बनाना है, तो ये अग्रेसिव थोड़ा कम कर अपना। तो सिद्धार्थ शुक्ला भाई कहता है कि मुझे बार बार एक चीज़ें बोलते रहते हैं, कहते हैं वो तो उनको पता है, वही तो पता है उनको तेरी वीकनेस है, तो फिर वही शुरू हो जाता है और तू गुस्से में आ जाता है। तो ये कल उसे समझाता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को विकास गुप्ता में मिला। दूसरी साइड कश्मीरा आरती को बैठ के समझा रही थी भाई ऐसा है कि तुझे सिद्धार्थ शुक्ला कैसा लगता है, उसने कहा नहीं उसका टेम्पर थोड़ा हाई रहता है, वो कहता है नहीं टेम्पर तो चलो छोड़ो वैसे लगता कैसे, कहते लड़का बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है अच्छी केयरिंग करता है अच्छा दोस्त है सब कुछ बढ़िया है। वो कह रही है वही वही बोल रही है कश्मीरा बता भी एक अच्छे हस्बैंड में क्या होता है, एक अच्छा हस्बैंड ये होता है कि हाँ भाई तेरी केयर करे सेव करे, तो भाई एक अच्छा तेरे लिए है कि तू चाहे तो इससे शादी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। पर वहाँ पे आरती ने भी कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, पर वो थोड़ी शर्मा सी गई, कोई कश्मीरा का मतलब यही था भाई सिद्धार्थ शुक्ला पे भी तेरे केयर भी करता है, उसने हमेशा सेव भी तरह किया शनाज को छोड़ के और तेरा हमेशा साथ भी देता है, तो हाँ भाई ये एक अच्छे केयर करना ये तो एक कहीं ना कहीं तुम दोनों में आपस में प्यार है पर एक दूसरे तुम्हें एक दूसरे को बता नहीं सकते यार बता नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये डिस्कशन करती हुई दिखी जो कश्मीरा शाह आरती के साथ। तो दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड होगा दोस्तों अब जो कैप्टन बना दिया सिद्धार्थ शुक्ला का वो तो एक टेम्परेरी बनाया था,
आज एक टास्क दिया जाएगा जिसके परमानेंट कैप्टन नेक्स्ट कैप्टन जो बनाया जाएगा उसके लिए किया जाएगा। अब वही सारी टीमें बन जाएंगी। इसके अंदर के टास्क के अंदर क्या होगा कि ऊपर आसमान से जैसे कहते हैं बारिश हो रही है तो नोटों की बारिश होगी, तो इनको नोट कलेक्ट करने हैं अपने अपने, और ये नोट कलेक्ट करेंगे इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है विकास गुप्ता मास्टरमाइंड है, विकास गुप्ता जो सिद्धार्थ शुक्ला का कनेक्शन बन के आया है, उसने कोई ना कोई गेम तो खेलनी है। वो अपने नोट गिनता है, मेरे नोट इतने हैं, तो इतने में शहनाज का ब्रदर बोलता है मेरे पास इतने सारे नोट हैं। विकास गुप्ता भाई दिखा, अभी दिखा मेरे को, तू गिन के बता मेरे को, मेरे सामने रख यहाँ पे। जैसे ही वो नीचे जमीन पे रखता है नोट, विकास गुप्ता फटा नोट रखते हैं अपने नोट के अपनी तिजोरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे वही भैया तुमने चीटिंग करी है, ये है वो है, अपना देवोलीना भड़क पड़ेगी, सब भड़क पड़ेंगे। विकास गुप्ता की मास्टरमाइंड है, वो कह रहा भैया ठीक है मुझे नोट इकट्ठे करने हैं, मैंने कर लिए जैसे मर्जी कर लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ बिग बॉस को साफ क्लियर बोलेगा, बिग बॉस मुझे ये क्विट करना है, भैया अगर ये इसने चीटिंग करी है तो मुझे इससे निकाल बाहर निकाल दो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए माय एवरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक ले सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।